हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस एनिमल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। और जो भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर। तो गाइस, आपको पता है कि हम मुरादाबाद में रहते हैं और मुरादाबाद में देखो काली पिन्नी में ही सारा सामान मिलता है। मुझे तो शर्म भी आती है इनको खोलने में, क्योंकि काली पिन्नी हमारे यहाँ तो चिकन मटन वगैरह देते हैं और बाकी जो सामान होता है दाल चावल और बाकी जो सामान होता है वो हमारे यहाँ वाइट पिन्नी में ही देते हैं। पर यहाँ ऐसा है, देखो ये मेरे मायके से आया था सावन में, सावन में दाल वगैरह, देखो वाइट पिन्नी में है। और यहाँ पे सारा टोटल जो सामान होता है काली पिन्नी में मिलता है। इतनी मुझे हेडिटेशन सी लगती है, शर्म सी भी आती है, रिजेक्ट सी लगती है इसको दिखाने में भी। आपके यहाँ काली पिन्नी में मिलता है सामान, प्लीज़ ज़रूर बताना। और ये थोड़ा सा सामान है किचन का, जो सब्जी वब्जी चाय चीनी पत्ती जो भी है इनको मैं रख देती हूँ और फिर मैं आगे करती हूँ तैयारी। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर बनाऊँगी और दिखाऊंगी आपको। ये मेरी छोटी सी किचन है। मेरे हर महिला के दो घर होते हैं, मेरे पता है तीन घर हैं। वो तीन घर कौन कौन से हैं वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। तो ये आ गया है दूध। दूध को ना मैं साथ के साथ रख देती हूँ गर्म करने। यहाँ मैं ड्यूटी पर हूँ तो यहाँ एक किलो दूध आता है मेरा। एक किलो दूध भी काफ़ी होता है, तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा पानी। अब ले लेती हूँ मैं सब्जी बनाऊँगी ना। ये सब्जी मेरी धुली हुई है, इनको मैं कट कर लेती हूँ बड़े बड़े साइज में। इसी में टमाटर काट लेंगे इस तरीके से। शिमला मिर्च भी इस तरीके से काट लेते हैं। इस प्याज को भी मैं इसी में कर दूँगी, जो मुझे ना फास्ट सब्जी बनानी बहुत जल्दी। इस प्याज को भी मैं इसी में कट कर दूँगी क्योंकि मुझको आ रही है नींद। जैसे शाम के 6 बजे हैं और आज दिन में नहीं सो रही तो मुझे नींद आ रही है। और ये है थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैं इसी में कट कर दूँगी। मोटा मोटा ही काटूंगी क्योंकि दांतों के नीचे आती है ना अदरक तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी कट हो चुकी है और इसको मैं एक तरफ रख दूंगी। ये है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और आयरन युक्त होती है। तो इसमें है पानी, इसको अभी ऐसे रहने देंगे। मैं थोड़ा सा पानी मंगाती हूँ, कैमरामैन पानी लाना। छोटी सी कढ़ाई है, छोटी सी तो ऐसे ही रखा था ना। तो इसमें डाल देते हैं जल्दी से जीरा, ठीक है। म
मसाले भी मैंने 17 तरह के डिब्बों में रख रखा हूँ। अब ले लेंगे ये सब्जी जो कितनी सुंदर लग रही है। इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, फिर इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार ही डाल देना। और ये है धनिया पाउडर, इसके बाद डालेंगे इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, फिर इसके बाद डालेंगे हम हल्की सी काली मिर्च पाउडर, इसके बाद हम इसे चला देंगे। और इसमें डाल देते हैं पानी, इसे बंद कर लेती हूँ सब्जी को। कितना प्यारा कलर आ रहा है। यहाँ रख दिया है मैंने दूध, क्योंकि खाने के साथ थोड़ा सा मीठा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ले ली है मैंने पतंजलि की सिवैयाँ, और इसमें नो मैदा, सिर्फ ये प्योर है और पता नहीं कैसे बना है लिखा हुआ है। हर चमकती चीज़ सोना तो होती नहीं है, पर कोई नहीं, ये डाल दिए मैंने इसमें। ठीक है गाइस, और इसको मैं चला देती हूँ, इसको मैं चला दूंगी, इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, ना बादाम छुआरे किसमें चला दूँ कुछ नहीं, सिर्फ इसमें। ये मेरी सब्जी बन गई है। तो मेरा खाना बनकर हो गया तैयार। ये है शिमला मिर्च आलू की सब्जी और सिवैया और दो रोटी। तो कैसी लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ और मस्त रहें, बाय बाय।